रूट 9 नहीं आया है, बाकी सारे हो गए हैं। देखो रूट 9 में क्या करना है, दिमाग लगाना है। रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर है ना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया? तो मतलब आप क्या बनाएंगे, आप नंबर लाइन पे बनाएंगे 3 0 1 2 3, और ये 3 ही इक्वल हो गया अंडर रूट 9। बस सही है एकदम, समझे? पक्का वाला समझ गए? ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है? अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पे बनाएंगे क्या 3.4, तो 0 1 2 3 4, मान लो 3.4 का ही, हाँ ठीक है 3.4। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, मैंने बना दिया 3.4। अब क्या करना होता है, अब बनाना होता है हमें बी से सी, बी 3.4 है, बी से सी बनाएंगे 1 यूनिट। पहले क्या करना है आपको, ए बी ड्रॉ करना है कितना 3.4, फिर आप क्या करें बी सी बनाए कितना 1 यूनिट, बी सी बनाएंगे कितना 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कंपास के मदद से बनाएंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है ना, ए पॉइंट से मोर देन हाफ लेंगे, एक आर्क कट करेंगे यहाँ पे और एक आर्क कट करेंगे यहाँ पे, फिर सी पॉइंट से लेंगे मोर देन हाफ, एक आर्क इधर कट किया एक आर्क इधर कट किया। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देती हूँ। अब ये आ गया सेंटर, इसको सेंटर लेते हुए बनाएंगे हम सेमी सर्कल एसी। समझ में आ रही है बात, इसको सेंटर लेते हुए बनाया हमने सेमी सर्कल एसी। बनाना क्या था, अंडर रूट 3.4, तो आप 3.4 से परपेंडिकुलर बना दो, यहां से आपने परपेंडिकुलर बना देना है 90 डिग्री। अब जिस पॉइंट पे कट करा है यहां से इसको मेजर करेंगे, लाइन कट कर देंगे, ये पॉइंट आ गया अंडर रूट ऑफ 3.4। समझ में आई बात? हाँ मुझे पता है, तभी अभी बनाऊंगे, बनाइए अंडर रूट ऑफ 3.4 था तो 4 के बाहर भी आ। देखो भाई मैं एक बार बता रही हूँ फिर से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला क्या है, मैंने आपको क्या दिया अंडर रूट 4.2, क्या दिया अंडर रूट 4.2, अंडर रूट 4.2। तो सबसे पहला नंबर लाइन पे बना दिया हमने क्या 4, बना लेते 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब क्या बनाना है हमें, 4.2 है ना, तो पहले नंबर लाइन पे बनाइए आप ए बी, और बी पॉइंट क्या होगा 4.2, ये हो गया 4.2, ये हो गया बी। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ नीचे लिखते हो, ड्रॉ ए बी और नंबर लाइन ऑफ 4.2 यूनिट डायमेंशन। समझ में आई बात? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्या बनाएंगे, बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो मैंने अब बी से सी बनाना है, मतलब बी सी क्या होगा 5.2 है कि नहीं, 5.2। समझ में आई बात बेटा? समझ ले, इधर समझ ले। फिर क्या बनाएंगे,
लाइन बाइसेक्टर ऑफ एसी, मतलब बाइसेक्टर बनाना है एसी का. बाइसेक्टर क्या होता है, कंपास पे लो मोर देन हाफ. एक आर्क इधर कट किया, एक आर्क इधर कट किया, सेम डायमेंशन जो यहां दिया है उतना ही डायमेंशन सी पॉइंट से लेके एक आर्क इधर कट किया. ठीक है, अब ये जहां पे मिल रहा है ये आ गया आपका सेंटर. क्या आ गया आपका सेंटर. अब इस पॉइंट को सेंटर लेके, इस पॉइंट को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बनाएंगे ए से सी तक. ए से सी तक एक सेमी सर्कल बना दिया हमने, समझ में आ गई बात इतनी. फिर हमें क्या करना है, बी पॉइंट पे ये बना दिया पहले मैंने, इसको ले लेते हैं टेकिंग ओ एज सेंटर. ड्रॉ ओ एसी सेगमेंट, ये ओ नाम लिखा है ना, टेकिंग एज सेंटर ओ, टेकिंग ओ एज सेंटर. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे फिफ्थ पॉइंट. ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी, भाई यहां पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना रहे सीधा. ये होता है आपका अंडर रूट, जो भी पॉइंट दिया है, क्या दिया है 4.2, दिस इज अंडर रूट 4.2, समझ में आ गई बात. तो अब क्या करेंगे, कंपास से इस अंडर रूट 4.2 को मेजर करेंगे और यहां पे कट कर देंगे. जिस पॉइंट पे कट किया ये हो गया अंडर रूट 4.2, समझ में आई बात पक्का. ठीक है, अब बनाओ कॉपी में फिर एक पॉइंट और. बच्चे बताइए कोई डाउट है इसमें. अब तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पूरा फिनिश करके आओ. ओके ओके, ठीक है, शाम को. और वो